हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो कि पर्यावरण में 30% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, या हम ये कहें कि ये और पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसके साथ ही ये पौधा पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एंसेंट हर्बल रेमेडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बांस या बोम्बो की। तो आप ये देख रहे हैं बांस का पेड़, या हम कहें बांस की कॉलोनी। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फ्रेंड्स, बांस एक बहुपयोगी पौधा है, या हम इसको एक मल्टीपर्पज प्लांट भी कह सकते हैं, जो कि भारत देश में लगभग सभी जगह पाया जाता है। आज बात करेंगे हम बांस के जो बहुउपयोगी इस्तेमाल हैं उनके बारे में। बांस, इसको इंग्लिश में बोम्बो भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम बोम्बेक्स सीबा है। इसकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से ही एक आप प्रजाति देख रहे हैं। ये पेड़ विशेषकर हमारे देश के जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी आर्थिकी को सुधारने में भी मदद कर रहा है, क्योंकि इसकी जड़ से लेकर पत्ती तक लगभग पूरा ही पेड़ बहुत ही काम का है, और लगभग सभी भागों का पुराने समय से ही इस्तेमाल होता रहा है। सरकार के द्वारा इसके पौधों का मुफ्त वितरण भी किया जाता है। तो अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इसके पौधों को या इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पादन को इसके पौधों का मुफ्त वितरण किया जाता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इससे जो भी हमारे पहाड़ी ज़िलों में या जो राज्यों में जो लोग रह रहे हैं उनकी आमदनी में भी इजाफा हो। इस प्लांट के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल बहुत से रोगों की दवा बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि एक ये मेडिसिनल प्लांट भी है। और विशेषता हम आपको बताएं इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चारे के रूप में, और जो इसका आप देख रहे हैं ये जो मैच्योर तना भी आप इसका देख रहे हैं, ये देखिए इस टाइप से जब आप इसको लगाते हैं तो कुछ समय बाद इसकी कॉलोनी बन जाती है। और इसमें बीच बीच में आपको देखिए स्टेम में इसमें आपको गांठें देखने को मिलेंगी। तो हम बात कर रहे थे किस प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं या उनके मेडिसिनल यूज भी हैं, और इसके मैच्योर स्टेम जो आप ये देख रहे हैं इस तने का इस्तेमाल बहुत से जो वुडन आइटम्स हैं जिनमें की कुर्सियाँ, टेबल और जो फैंसी आइटम्स होते हैं उनको बनाने में, इसके साथ ही सीढ़ियाँ और शोपीस बनाने में, और विशेषकर मकान बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में जो सेटरिंग का सामान है उसमें भी ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके पेड़ को उगाना चाहें तो ये आसानी से उग भी जाता है, और बांस के पेड़ों को उगाना आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करेगा। आप इसे कच्चे माल के रूप में या फिर तैयार माल के रूप में इससे बने आइटम्स को बाज़ार या लोकल मंडी में भी आसानी से बेच सकते हैं। और एक विशेष बात हम आपको बताएं कि ऑनलाइन भी आप इसे या इससे बने
प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की देश और विदेशों में बहुत ही मांग है। ये पेड़ 10 से 12 साल में तैयार हो जाता है और इसका जो लाइफ टाइम है वो 1 से लेके 50 साल तक का होता है। और फ्रेंड्स, इस पेड़ से विशेषकर कागज़ भी बनाया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं बांस के पेड़ को, तो ये लगभग मैच्योर होने को है प्लांट है। देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं ये भाले के आकार की होती हैं और इसकी पत्तियां खुरदरी होती हैं, लंबी पत्तियां पाई जाती हैं इसमें, ये आप देख रहे हैं। और जब ये कॉलोनी बनाता है तो कॉलोनी बहुत ही घनी हो जाती है। अगर आप इसको एक बार लगा लें और इसकी अच्छे से देख रेख करें तो ये आपको सालों साल फ़ायदा देगा। ये देखिए आप देख रहे हैं इसके स्टेम, और ये हम आपको इसकी जड़ दिखा रहे हैं, और जड़ से ग्रो करके ये खुद बखुद पूरी कॉलोनी बना लेता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी बढ़ती जाती है। ये देख रहे हैं पूरी इसने कॉलोनी इधर बनाई हुई है, ये कॉलोनी देख रहे हैं आप बांस की, और पूरा देखिए पूरा इधर और छाया हुई है, और पूरी कॉलोनी इतनी फैल चुकी है। तो किसका जो स्टेम है ये बढ़ता है, तो ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई में भी फैलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं उनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिलेंगी। और देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरी कॉलोनी ये बांस की बनी हुई है। और अगर आपका कोई सवाल जवाब भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो कोपलें आती हैं, जो बरसात के टाइम में नए कोपलें पौधे की जड़ से आती हैं, उनको यंग सूट कहते हैं या प्ररोह, तो उनको सब्जी के रूप में खाया भी जाता है और उससे अचार भी बनाया जाता है। और बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू रखता है वो, क्योंकि उसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना बांस के बारे में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक्स।